पूरा तरह से यही जो है स्पॉट एरिया यहाँ से देख सकते हैं। और ये देखिए तो गाइस फाइनली बात यह है कि जो मंदिर है वो बंद हो गया है। हेलो सो एवरीवन, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग का अभी सडनली से शाम को मूड बना और हम लोग सोचे कि चलिए चलते हैं कहीं घूमने, तो फिर सोचे कि चलिए इस्कॉन टेम्पल चलते हैं। तो वहीं अभी हम लोग निकल पड़े हैं चलने के लिए विद साइकिल, और साइकिल से हैं हम लोग सभी। तो अभी यहाँ पर मोड़ पर हम लोग रुके हुए हैं। तो गाइस हमारे साथ जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं तो मैं उनसे आपको दिखाता हूँ। देखिए इतने इधर है, हेलो सभी लोग, देखिए इधर, हेलो देखिए इधर बात कर रहे हैं अभी, और इधर हेलो गाइस। तो अरे इतने सारे हैं तो सभी लोग मिल करके हम लोग चल रहे हैं और बहुत ही मस्ती करने वाले हैं। हम लोग चल रहे हैं और जो कि साइकिल से और सड़क पे हैं तो थोड़ा भी बहुत सारा जाम जैसा टाइप में लग रहा है, बाकी तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती होने वाला है। थोड़ा देर पहले डायरेक्शन गलती चल गए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम लोग किधर चल गए थे और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं और चले गए थे। तो अभी फिर से मिलने हैं आपस में और फिर से अभी चल रहे हैं। देखिए और पीछे भी है एक फ्रेंड, देखिए साइकिल से आ रहे हैं। तो बाकी के थोड़ा सा इधर डैमेज बहुत ज़्यादा है, मतलब रोड है और गाड़ी ही उतना ज़्यादा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बहुत आगे आ गए हैं और बाकी के फ्रेंड्स पीछे रह गए हैं। बहुत जाम, बहुत ज़्यादा जाम था भाई, बहुत बहुत, मतलब कैसे कैसे करके समझो कि निकले हैं। और इतना ही नहीं, मतलब समझो कि और मेरे फ्रेंड्स के पीछे जो हैं दो साइकिल से हैं तो वो लोग उसी में थोड़ा बहुत फंसे तो वो लोग पीछे रह गए हैं। बाकी ये समझ ही नहीं कितना ज़्यादा इधर जाम हो जाता है। आप लोग अभी कभी ना कभी आए होंगे तो सो हाय यार, देखिए एक यहाँ पर हेलो गाइस, हम लोग साइकिल से चल रहे हैं। सो भाई लोग उतना ही नहीं एक आगे हैं और बाकी क्या, आई थिंक सडनली से मुड़ जाते हैं, बोलते भी नहीं हैं, मतलब इसी में हम लोग जीरे का मतलब तीसरे चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं एक तरह से बोला जाए तो। भाई यार फाइनली हम लोग आ रहे थे और सडनली से जाके यहाँ पर साइकिल का जो रीम था वही फट गया है, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ, जो कि पूरी तरह से फट गया। आई थिंक अब यहाँ पर हम लोग का प्लान देखा जाएगा। देखिए देखिए पूरा तरह से यही जो है ना फट गया, यहाँ से देख सकते हैं। और ये देखिए, तो गाइस पता नहीं चल रहा है क्या करें हम लोग, बाकी आप लोग समझ ही सकते हैं। हम लोग यहाँ पर दुकान ढूंढ रहे हैं, पर देखने गया है मेरा दोस्त तो देखकर आता है क्या होने वाला है, शायद यार यहाँ पर अगर आसपास में तो भी आई थिंक बहुत ज़्यादा इसका रेट बताएगा, क्योंकि ये यही जो है इसका खराब हो गया, इसका इसका ये निकल गया है यार, ये निकल गया है अंदर से, तो अभी पूरा टूट गया है, समझ सकते हैं क्या होगा। तो फिर मिलते हैं भाई, सॉल्यूशन देखते हैं पहले। बीच रोड पे यहीं पर सीधे फट गया, वहीं पर रुक गया यार, मतलब बहुत ड्रामा भाई बता सकते हो। तो सॉल्यूशन देखते हैं फिर ब्लॉग करते हैं। पहली बार यार बात यह कि यहाँ पर हम लोग लेट से पहुँचे हैं और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया है। देखिए फाइनली बात यह है कि जो मंदिर है वो बंद हो गया है। तो भाई यार फाइनली से हम लोग को मतलब यहाँ पर एक शॉप दिखा है जहाँ साइकिल बनता भी है और यहाँ पर साइकिल बिकता भी है, आप लोगों को दिखाते हैं। साइकिल को बनवा लेते हैं ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा। बाकी के एक फ्रेंड मेरे इधर है और ये भी इधर है, आप लोग देख सकते हैं। सो भाई यार फाइनली वहाँ पर हम लोग का नहीं बना तो हम लोग दूसरे मार्केट में आए हैं, मतलब दूसरे शॉप पे आए हैं और आई थिंक यहाँ पर बन जाए। तो यहाँ पर सभी लोग चल रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़राब हालत हो गया है साइकिल का, क्या ही कर सकते हैं पता नहीं चल रहा है भाई। तो यहाँ पर आई थिंक बन जाए तो देखिए क्या होता है फिर ठीक। सो भाई यार देखिए फाइनली जहाँ पर गए थे सेकंड दुकान पे तो वहाँ पर भी नहीं बनाने के लिए बोला, वो बोला कि यहाँ पर नहीं बनता है, पर यहाँ पर फाइनली आए तो यहाँ पर हो गया है। लेकिन भाई बजट बहुत कम लाए थे और बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, अभी लगवा क्या कर सकते हैं फाइनली, क्योंकि लगवाना तो पड़ेगा ही। तो यहीं पर और यहीं पर जो है बनवा रहे हैं साइकिल को, यहाँ पर बन, तो ठीक है भाई बनता है तो फिर मिलते हैं। सुबह यार अभी बज गया है 8 बज गया और यहाँ पर देखिए सभी लोग अभी देखिए यहाँ पर ठीक है। तो हम लोग इधर साइकिल पे हैं और इधर टिक इधर है और मेरा भैया इधर है। और देखिए गाइस तो फाइनली गाइस वहाँ पर साइकिल बन गया था, वहाँ चल करके एक
स्थान पर रुकते हैं, फिर वहाँ पर मौज मस्ती करेंगे और फिर अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ये जो कि ब्लॉगिंग किट अंदर लेके जाने देता है नहीं, बहुत से लोग कह रहे थे नहीं जाने देता है, बट देखिए क्या होता है। सुबह यार यही है, देख सकते हैं। सो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं इसका सुंदरता कितना ज्यादा जबरदस्त लग रहा है यार, देखो। और ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, श्री राधे राधे बांके बिहारी जी मंदिर, और इसको लोग इस्कॉन टेम्पल भी बोलते हैं। तो देखिए कितना जबरदस्त लुक है, और इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, फिर अंदर देखते हैं मतलब कैसा जो दिख रहा है अंदर से कैसा दिख रहा है। पहले हम इस यहाँ आ चुके हैं, पर यहाँ जो है पहले लाइव आए थे तो उसमें जो नेटवर्क सही नहीं था तो वो अच्छा नहीं चल पाया था। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंदर आज आप लोगों को पूरा दिखाएंगे, कैसा है, कौन भगवान है, कहाँ पे है, सब दिखाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। यार फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, और बहुत ही समझ रहे कि इतना लेट लगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया देख सकते हैं। तो भाई लोग उतना ही नहीं और बाकी के यहाँ पर सभी लोग हम लोग देखिए यहाँ पर हैं, और बाकी अब चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। इसमें बहुत ही आई थिंक मज़ा आने वाला है, हम लोग मौज मस्ती करने वाले हैं क्योंकि नाइट टाइम है और समझ सकते हैं नाइट टाइम को भी मस्ती जितना भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस यार फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, और पिछले बार भी आए थे तो पिछले बार लाइव किए थे यहाँ पर, समझ जान ही रहे हैं। तो बिकॉज पिछला बार ये था कि पिछले बार जो इंटरनेट प्रॉब्लम था गाइस, बट इस बार हम लोग सोचे कि इस बार लाइव नहीं वीडियो बना लेंगे। और चलिए सभी लोग, तो देखिए कुछ और भी फ्रेंड्स मिल गए हैं तो उनसे बातें कर रहे हैं, तो बोले कि आगे ब्लॉगिंग हम लोग अभी कर लेते हैं क्योंकि गाइस अभी आठ दस हो गया तो इसीलिए कर लेते हैं, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा, तो फिर 9:45 तक बंद हो जाता है। हम लोग पहले भी लाइव आए थे पर उस समय नेटवर्क एरर के कारण अच्छा नहीं चल पाया था, तो यार फिर से मतलब आप लोग देख नहीं पाए थे अच्छा से, तो फिर से कर रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए। तो भाई यार आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि फिर से हम लोग यहाँ पर आए, आपके लिए इतना मेहनत किए और आते समय कितना कठिनाई हुआ आप लोग जान ही रहे हैं, बट अभी हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो चलिए आप लोग को दर्शन कराते हैं, और सेकंड टाइम्स मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, सेकंड टाइम्स क्योंकि मुझे दर्शन करने का टाइम मिल रहा है तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए यार फाइनली ऊपर में आ गए हैं, देखिए ऊपर में कुछ इस तरह से खासियत है यहाँ पर, और इधर में देख सकते हैं अंदर भी चलेंगे गाइस। अंदर जाके अंदर का जो सीन है ना, बोलेंगे कि वाओ क्या मतलब यार लाजवाब, तो अंदर भी चलेंगे। अभी हम लोग इधर टाइप में है देखिए। तो भाई यार फाइनली देखिए इधर आते हैं, इधर देखिए आइए, इधर चलते हैं। इसमें इसमें का कुछ लुक अलग है, क्योंकि लोग यहाँ पर फ़ोटो खींच क्लिक करवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, देख सकते हैं ऊपर का लुक ऐसा है यार भाई, मतलब यहाँ पर ऐसा लगेगा ना जैसे ये सब लगेगा कि पत्थर से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ, पर रियलिटी में ये पत्थर से बना हुआ नहीं है, पर ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, बाहर से दिखाते हैं आपको, देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है। भाई यार बात यह है कि यहाँ पर हम लोग लेट से पहुँचे हैं, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया है। देखिए तो फाइनली बात यह है कि जो मंदिर है वो बंद हो गया है, जो मंदिर का जो गेट है अंदर में जो भगवान का है वहाँ पर फाइनली बंद हो गया है, तो इसी के कारण मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करा सकता हूँ। तो यार बताओ अब इसमें मेरा क्या गलती है, बट जो मेरा जो वहाँ पर टायर पंचर हुआ था उसी के चलते हम लोग लेट हो गए, और लेट होने के कारण हम लोग मतलब कि नहीं पहुँच पाए टाइम से, और इसी के चलते हम लोग बंद हो गया। यार अभी यहाँ पर 9:45 तक भजन चलेगा लेकिन गेट बंद है, आप लोग देख सकते हैं अब पूरा भजन हो रहा है। सो भाई यार देखिए यहाँ पर भजन हो रहा है। सो गाइस यार आज इतना ही हो पाया क्योंकि अंदर जाने का अलाउ नहीं था, मतलब हम लोग गए भी नहीं क्योंकि कुछ वहाँ पर प्राइवेसी है अभी, जो कि भजन भी चल रहा है तो ऐसे भी उनका जो गेट है वो बंद हो गया भगवान जी का। तो सोचे कि अभी के लिए हम लोग यहाँ पर ही ब्लॉगिंग को आज एंड करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो अभी के लिए गाइस टाटा बाय बाय, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।